नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है राजस्थान एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में। अभी आज 19 अगस्त को राजस्थान एलटीसी का फर्स्ट पेपर हो चुका है और पेपर का जो लेवल है वो 12 अगस्त जैसा ही आ रहा है। चलिए देखते हैं कि पेपर में आज किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। इन प्रश्नों को मैं स्लाइड के रूप में ऊपर से नीचे स्लाइड करूँगा और थोड़ा पॉज दूंगा ताकि आप क्वेश्चन रीड कर सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको आने वाले हर एक वीडियो का अपडेट मिलता रहे। हम अभी SSC GD कॉन्स्टेबल परीक्षा के लिए भी तैयारी के लिए भी कुछ वीडियोज बनाने वाले हैं, तो इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं क्वेश्चन को धीरे धीरे स्लाइड करता हूँ, आप पढ़ लीजिए किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। हमारे वीडियो को लास्ट तक देखना ना भूलें ताकि आपको पता चल जाए कि किस तरह क्वेश्चन आ रहे हैं, क्योंकि अगला एग्जाम भी होना है तो आप उसी हिसाब से अपनी तैयारी कर सकें। इसके आंसर की अभी मैं थोड़ी देर में जल्दी ही आपको उपलब्ध करा दूंगा। अभी इसके आंसर की हम लोग निकाल हमारा जो टीम है वो इसके आंसर की निकालने में लगी हुई है। पेपर को देखकर लग रहा है कि इसका लेवल अच्छा है, जहाँ तक उम्मीद है कट ऑफ पिछली बार से कम रहेगी। जब इसके चारों पेपर हो जाएंगे, मतलब जो 4 सेटिंग है चारों सेटिंग के पेपर हो जाएंगे, उसके बाद हम इसके कट ऑफ का प्रेडिक्शन आप लोगों के लिए उपलब्ध करा देंगे। हम कुछ आंसर आपको भी दे भी सकते हैं, जैसे कि प्रकाश का उसके घटक रंगों में विभाजन क्या कहलाता है, तो इसका आंसर है वर्ण विक्षेपण। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी। किस समूह रक्त समूह को सार्वजनिक दाता कहा जाता है? ओ माइनस। दो अथवा अधिक भिन्न अनुवांशिकी युक्त पादपों को क्रॉस कर फसल की नई किस्म का निर्माण कहलाता है संकरण। बर्मी कंपोस्ट एक पर्यावरण अनुकूलित खाद मानी जाती है जो प्राप्त होती है केंचुओं से। हम आपके इसके मैथ के आंसर्स के भी आपको एक अलग से वीडियो बना के डाल देंगे। इसमें से आपको जितने भी आंसर पता हो आप हमारे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। राजस्थान में सीता माता के बारे प्रसिद्ध है उड़न गिलहरी के लिए। वन नीति के अनुसार कितना प्रतिशत वनों से आच्छादित तो होना चाहिए? वह 33%।
आप देख लीजिए कि किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, क्योंकि तो अगला पेपर अगले संडे को होना है, तो आप अपनी तैयारी उसी हिसाब से जारी रख सकें। जीके के क्वेश्चन का लेवल काफ़ी अच्छा है। राजस्थान में सरसों के सबसे बड़े उत्पादक श्री गंगानगर, अलवर और भरतपुर। यहाँ से मैथ के क्वेश्चन भी चालू हो गए हैं और आप देख सकते हैं कि मैथ के क्वेश्चंस का लेवल भी काफ़ी ठीक दिया गया है। सात बारह के समतुल्य, तो इसका आंसर है ये 42/72। यदि इसे 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 7 42 और 12 6 72, 7 12 अनुपात बनता है। यदि इस क्वेश्चन की बात करें तो इसका आंसर आएगा 3, क्योंकि लॉग आर को यदि लॉग ए अपन लॉग बी होता है तो उसे लॉग ए बेस बी लिखते हैं, तो इसे लिख देंगे लॉग आ, तो इसे लिख दिया जाएगा इस तरह से log 8 base 2 बराबर x। तो 8 बराबर हो जाएगा 2 की पावर x, यानी कि 2 की पावर 3, तो x की वैल्यू हो जाएगी 3। यदि इस क्वेश्चन की हम बात करते हैं 112 की, तो y बराबर हो जाएगा 3 की पावर x और z बराबर हो जाएगा 2 की पावर x। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो रुकिए हम देखते हैं इसे सॉल्व करके आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में डालते हैं प्रॉपर सॉल्यूशन के साथ। तो चलिए इस क्वेश्चन की बात करते हैं, ये 130 है, दीवार एंगल हो जाएगा 65, क्योंकि एंगल 130 का हाफ होगा और इन दोनों एंगल्स का योग कितना होता है 180। 180 में से जब 165 घटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा, तो कौन सा पूछा, ए बी सी, ए बी सी। एक सौ पंद्रह जी, इसका आंसर आ जाएगा 115। जिसका हमने पेपर लिया है वो हमारे मित्र का है, शायद गलत आंसर लगा के आए हैं। इस वाले क्वेश्चन में फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस ए बी वाई 100। तो यहाँ 10% और 30% के क्रम का छूट है, तो इसका आ जाएगा 10 प्लस 30 प्लस 10 इंटू 30 बाई 100, यानी कि 40 प्लस माइनस, तो 37% इसका आंसर आ जाएगा।
हम आपको सभी आंसर्स की आंसर की अभी थोड़ी देर में ही उपलब्ध करा देंगे। लास्ट तक सभी क्वेश्चन देखने के लिए धन्यवाद। चूंकि हम इतना सबसे पहले पेपर डाल रहे हैं तो हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। धन्यवाद।